हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हनुमंत ग्राम सेवा सहकारी समिति पोसालिया के शंभू सिंह अध्यक्ष और हमीर सिंह राव निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। पोसालिया कस्बे में की हनुमंत ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हुए। चुनाव अधिकारी चमनाराम चौधरी, सहायक निर्वाचन अधिकारी बाग सिंह व उमेश सिंह के निर्देशन में चुनाव सम्पन्न किए गए। सहायक व्यवस्थापक छगनलाल मीणा ने बताया कि दिनांक 7 सितंबर 2022 को संचालक मंडल के 12 वार्डो में से 10 वार्डो में चालक मंडल के ऋणी सदस्य शंभू सिंह, हमीर सिंह राव, रमेश कुमार रावल, दशरथ सिंह, छगन सिंह, श्रीमती शारदा देवी भवर सिंह, ज्योत्सना कंवर, कुपारा मीणा और अऋणी सदस्य हिम्मत मल परमार निर्विरोध, जबकि वार्ड संख्या 4 सामान्य में कैलाश कुमार माली पोसालिया और SC आरक्षित वार्ड संख्या 9 में रताराम मेघवाल अरठवाड़ा के बीच मतदान दिनांक 17/9/2022 शनिवार को हुआ, जिस पर वार्ड संख्या 4 सामान्य में कैलाश कुमार माली पोसालिया व वार्ड संख्या 9 में रताराम मेघवाल को निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी चमनाराम चौधरी ने बताया कि दिनांक 19/9/2022 को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 12 मत में से शंभू सिंह को 9 मत और कैलाश कुमार को 3 मत मिले। शंभू सिंह को 6 मतों से विजयी घोषित किया गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर हमीर सिंह राव निर्विरोध चुने गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर पोसालिया पुलिस चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक शिवपाल सिंह राठौड़ के निर्देशन में बिट प्रभारी आरक्षी गणपतलाल नोई व रमेश कुमार का विशेष सहयोग रहा। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।